Hey guys, welcome back again to my channel. So if you don't know me, myself Dr. Pratik Rajendra Vankhede, currently doing internship in Smimer Medical College, Gujarat. So today's date is 31st of March and it's a Friday. A very good morning to all of you. Hope you all are doing fine and great in your life. So a quick update. As you all know that I had appeared for a NEET 2023, NEET PG. And I had shared my experience, how thriller it was in the previous video. So what result did I get? I got 613 marks out of 800 and an All India rank of 1644, that is 1644. Not that good, but definitely I will get the seat of my choice which I wanted. And what I will go for, I will share you in future videos. How to prepare, what did I do, etc. I had recorded one video but audio glitch ho gaya, so wo main upload nahi kar paya. I have to shoot it again and will definitely do it before that. So why I started this vlog, so just to give an update ki aaj 31st March se maine chalu kiya hai INISET ka preparation. So I am not all in for this exam, but definitely why not to give the best shot. Definitely itna sara mehnat kiya hai to waste kyu jaane de. So I will share what I am doing. Currently studying parasitology from micro. So dekhte hain kaisa jata hai din and will keep you updated. हाँ, अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा. मैनी पीपल डू आस्क मी कि कस्टम मॉड्यूल क्या होता है, तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ कस्टम मॉड्यूल. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड एज यू ऑल नो दैट मैं मैरो यूज़ करता हूँ. लेट मी शो यू हाउ आई यूज द एफिशियंट कस्टम मॉड्यूल. सो हियर आई हैव ओपन द मैरो ऐप. ये कस्टम मॉड्यूल के इसमें गया मैं. आई गो फॉर 100 क्वेश्चंस वाला थिंग, ठीक है. और गाइज मैं बोलूँगा आपको, इंटर्नशिप का एक भी दिन, ऑलमोस्ट एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने 100 MCQ सॉल्व नहीं किए. सो डू मेक श्योर कि अभी अगर आप इंटर्नशिप आपका चल रहा है तो ऑलवेज सॉल्व एटलीस्ट 50 MCQs, बिकॉज ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू सॉल्व MCQs ना. तो आप थियरी कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपको अगर MCQ सॉल्विंग स्किल्स आपकी अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है, रोज़ 0.1% से भी इम्प्रूव हो रही है ना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. सो डेफिनेटली आपको डेली MCQ सॉल्व करने चाहिए. और मैं इंटर्नशिप में चलते फिरते दौड़ते भागते रिपोर्ट्स कलेक्ट करते जब भी मुझे टाइम मिलता था आई वॉज जस्ट सॉल्विंग द MCQs. हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ पाता था, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता था तब जाके मैं इन MCQs को रिव्यू करता था. जो भी बुक मार्क्ड MCQs होते थे या इनकरेक्ट MCQs होते थे उनको रिव्यू करता था. सो बैक टू द पॉइंट, हाउ टू मेक द एफिशियंट कस्टम मॉड्यूल. सो जैसे कि मैंने 100 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ऑल रहने दिया है एंड गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग. सो हियर यू कैन सी दैट आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. अभी जैसे कि मैंने 100 MCQs यहाँ पर रहने दिए हैं, सो आई ऑलवेज गो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वाला थिंग. सो आई गेट टू नो वेयर एम आई वीक एट. बट डेफिनेटली अगर आप कोई पर्टिकुलर अभी सब्जेक्ट जैसे कि फार्मेट कर रहे हो, माइक्रो कर रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट्स जो आपने 3-4 हफ्तों में जो सब्जेक्ट्स किए हुए हैं उन्हीं सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो. लेकिन अभी जैसे कि मैं एंड ऑफ द प्रिपरेशन में हूँ, एक महीने में INISET है, सो आई विल डेफिनेटली सिलेक्ट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड देन गो नेक्स्ट. यहाँ पे आपको जो टैग सिलेक्ट करने हैं ना, वो अभी सिर्फ एम्स रहेगा, ठीक है. और अभी आप अगर नीट के लिए पढ़ रहे हो, जैसे कि नीट 2024, तो गो फॉर रिसेंट नीट एंड एम्स, ओके. लेकिन राइट नाउ एज आई एम प्रिपेरिंग फॉर INISET, आई विल जस्ट सिलेक्ट द हैशटैग एम्स वाला थिंग, ओके, एंड देन गोइंग नेक्स्ट. ही अभी यहाँ पे क्या है, एग्जाम मोड और रेगुलर मोड है, दो मोड है. तो एज यू नीड टू सी द एक्सप्लेनेशन क्विक एंड वहीं पे डाउट सॉल्व कर देना है. जैसे कि अभी मैं मेरे जोन में हूँ, आई कैन रीड द एक्सप्लेनेशन क्वाइट वेल बिकॉज आई एम स्टडिंग एट माई होम. तो मैं रेगुलर मोड वाला सिलेक्ट करूँगा. लेकिन आपको अगर टेस्ट करना है कि मैं 100 MCQs को कितना टाइम लगा रहा हूँ, क्या मैं उसको 70 मिनट्स या 80 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो गो विद द एग्जाम मोड. बट मोस्टली आई गो विद द रेगुलर वाला मोड एंड देन क्रिएट. सो ये आपका कस्टम मॉड्यूल बन गया. यहाँ पे कोड आ जाता है, यू कैन ऑल्सो शेयर दिस कोड विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन कंपेयर योर स्कोर्स.
तो ये चालू हो गया है, देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या लिखा है। मैच द फॉलोइंग एमनियोसेंटेसिस कौन से वीक पे करते हैं, तो या तो ये मैंने याद रखा है, ए से एमनियोसेंटेसिस, और ये 14 की तरह दिखता है, ए जो है वो 4 की तरह दिखता है ना, तो 14 वीक के आसपास होता है। अभी देखते हैं इसमें कौन सा सिलेक्ट कर पाएंगे। तो गाइज देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन है आपको समझ आ भी नहीं रहा है कि कब कौन सा क्या करते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा है फीटोस्कोपी, ये जो डी ऑप्शन है, तो फीटोस्कोपी मतलब फीटल को देख, फीटस को देखना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सेंस बना रहा है। ये जो थर्ड लिखा है फीटल ऑर्गन्स विजुअलाइज्ड, ये थोड़ा सा सेंस बना रहा है, तो हो सकता है कि डी का आंसर 3 हो। तो देखना है डी का आंसर 3 किसमें किसमें लिखा हुआ है। देखो डी ऑप्शन 3 एक में ही है, और इसको कंफर्म करना है तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि एमनियोसेंटोसिस में ए आता है, और मैंने ए से याद रखा है कि वो 4 की तरह दिखता है, मतलब 14th वीक पे एमनियोसेंटोसिस होता है। अभी यहाँ पे 14 वीक वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें फोर्थ ऑप्शन पढ़ता हूँ तो इसमें लिखा है एमनियोटिक फ्लूइड एसेस्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ AFP, AFP मीन्स अल्फा फिटोप्रोटीन। तो यार वो भी थोड़ा सा सेंस बना रहा है कि एमनियोसेंटोसिस मतलब मैं एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के उसमें एमनियोटिक अल्फा फिटोप्रोटीन के लेवल्स डिटेक्ट कर लूँगा। तो ए का 4 भी थोड़ा कंफर्म हो गया, देखते हैं उसमें ए का 4 भी बना रहा है, तो चलो टिक ही करके देख लेते हैं। डेफिनेटली इट्स अ करेक्ट आंसर। और ऐसे आपको और एक एग्जाम्पल मिल गया कि जस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, इवन इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, नॉट एनी आइडिया बट थोड़ा सा आपको 25-30% भी इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन के बारे में आता हो ना, तो देर आर हाई चांसेस दैट यू विल सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बस आपको एक अंदर से होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का ये आंसर तो नहीं हो सकता है। सो बेसिकली यू हैव टू एलिमिनेट द 4 ऑप्शंस कि इसमें से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला आंसर है। आर यू गेटिंग मी? डोंट गो लाइक कि व्हाट इज माय नेम, तो प्रतीक वानखेड़ ऐसा पता होना चाहिए। डोंट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली, एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। दैट इज द बेस्ट मेथड थ्रू विच यू विल ऑल्सो एलिमिनेट द सिली मिस्टेक्स वाला थिंग। आर यू गेटिंग? धीरे धीरे मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। देखो मैं जो बोल रहा था ना, ए 14 की तरह दिखता है, तो ए मतलब ए जो होता है इट लुक्स लाइक 4, तो वैसे मैंने ए से 14 याद रखा है, तो एमनियोसेंटेसिस जो होता है ए से एमनियोसेंटेसिस, इट अकर्स मतलब वो 14 वीक पे अर्लीस्ट करते हैं ऐसा। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स कि आपको ऐसे थोड़ा सा क्लिक कर करके मतलब लॉजिक लगा लगा के आपको चीज़ें याद रखनी है। आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो नहीं होगा, यू हैव टू मेक सम काइंड ऑफ रिलेटेबल निमोनिक्स, नॉट लाइक सारे चीज़ों के लिए निमोनिक्स नहीं बनाने, बट या जैसे कि वो जो टच रिसेप्टर्स वाला सीन है, हर साल एक क्वेश्चन आता है सेंसरी रिसेप्टर्स, तो सेंसरी रिसेप्टर्स में भी मैंने क्या याद रखा है कि मिसनर कॉर्पस्कल, और दूसरा आता है अपना यू नो पैसिनियन कॉर्पस्कल, तो इन दोनों के वर्ड्स में कॉर्पस्कल आता है। देयर फॉर दे आर फास्टली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स, क्योंकि उसके उसमें बिकॉज दे हैव द वर्ड कॉर्पस्कल, मिसनर कॉर्पस्कल एंड पैसिनियन कॉर्पस्कल, तो दोनों के इसमें कॉर्पस्कल आ रहा है, सो दे आर फास्टली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स। और दूसरे जो होते हैं रिसेप्टर्स, दे आर मर्कल सेल, रफिनीज हेयर नर्व एंडिंग्स, तो उसमें कॉर्पस्कल नहीं आता है, सो दे आर स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर ऐसा। और एक चीज़ बताओ तो जो फास्टली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स है, दे आर ऑल्सो नोन एज फेजिक रिसेप्टर, तो फेजिक फास्ट फेजिक ऐसा। और जो स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं टोनिक रिसेप्टर, तो स्लो में ओ आता है, टोनिक में ओ आता है, तो स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर आर ऑल्सो नोन एज टोनिक रिसेप्टर्स, एंड फास्टली अडेप्टिंग रिसेप्टर आर फेजिक रिसेप्टर। So I finally started solving the custom module, and you can see here that I am just eliminating all the 3 options and then selecting the best option. So you should always select the best option, not the correct option. Are you getting me? वो 3 option जो बिल्कुल इसका answer नहीं हो सकते, वो आपको पहले eliminate कर देना है और फिर एक सही best option select करना है। तो ऐसे में सारे options को go through करते गया और ये रहा मेरा result. So guys, I got 66% करेक्ट, मीन्स 100 में से 66 क्वेश्चन ही सही हुए हैं। किसी के 50 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, किसी के 100 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, किसी के 75, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो
ये रिजल्ट आने के बाद यू शुड नॉट फियर कि अरे इतने गलत हो गया या जो भी है, बट वॉट इज द बेस्ट थिंग कि जो 100 चीज़ें दोस 100 टॉपिक्स विच यू शुड नो वो आपको पता चल गए अभी, आर यू गेटिंग मी? और उसमें से 34 टॉपिक्स, मतलब मेरे 66 करेक्ट हुए ना, तो 34 इनकरेक्ट हुए, तो अभी मैं शांति से वो जो 34 इनकरेक्ट हुए हैं वो क्यों इनकरेक्ट हुए हैं आई विल रिव्यू देम, ठीक है? तो मैं सारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस को शांति से रिव्यू करूंगा एंड विल फाइंड आउट द रीज़न व्हाई दोज क्वेश्चंस गॉट इनकरेक्ट, एंड देन अगर मुझे लगता है कि ये रेलेवेंट है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट खींच लूँगा या मेरे जो वॉलेटाइल वाला कॉपी है उसमें मैं लिख दूँगा, ठीक है? व्हाट इज़ वॉलेटाइल, या फिर योर 20th बुक जो बोलते हैं, तो उसमें सारा वॉलेटाइल स्टफ जाता है जो आप इजीली भूल जाते हो ना, वो सब उसमें लिखना होता है। सो दिस इज़ द वे दैट यू शुड सॉल्व अ कस्टम मॉड्यूल, कि पहले कस्टम मॉड्यूल बनाओ, उसमें टैग्स सिर्फ रिसेंट नीट या रिसेंट एम्स या दोनों साथ में सेलेक्ट करना है, एंड देन सॉल्व, गो थ्रू ऑल द MCQs, एंड देन व्हेन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, इफ़ योर इंटर्नशिप इज़ वेरी हेक्टिक, तो गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड देन सिर्फ जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस है उनको शांति से उसका एक्सप्लेनेशन को रीड करना है, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन ऑल्सो रीच टू योर नोट्स एंड रीड द होल टॉपिक। अगर एक्सप्लेनेशन में से नहीं समझ में आ रहा है तो ये कबर्ड खोलो और अपने नोट्स खोलो एंड देन गो थ्रू दैट टॉपिक। सो या दैट्स इट, दिस इज हाउ यू सॉल्व द कस्टम मॉड्यूल। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, नॉट लाइक बट इट एक्चुअली मेड सेंस टू यू। आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो या फिर आपको डेफिनेटली कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड लेट मी टेल यू दैट आई डू लाइक टू हेल्प यू अ लॉट। सो आपको कोई भी दिक्कत आए रिलेटेड टू PG या फिर यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन, यू कैन डेफिनेटली स्टे इन कॉन्टैक्ट विद मी, एंड देखते हैं व्लॉग का सिलसिला कैसे चलता है। ट्राई करेंगे व्लॉग्स डेली बनाने का। अभी बजे है शाम के 5:30-6 एंड लेट मी टेल यू, ये मेरा बेस्ट टाइम होता है शाम का चिल करने का ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। दिस वाज द मोस्ट अवेटेड टाइम, मतलब मैं इस वक्त के लिए रुकता था। यहाँ पे टेरेस पे चलते चलते शाम को कब 50-60 MCQ सॉल्व हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। एंड मेरे रैंक का राज पता है क्या है? ये है मेरे रैंक का राज। सो ये टॉनिक है जो सिर्फ अवेलेबल है मेरे घर पे। आपको मेरे घर आना पड़ेगा अगर आपको ये टॉनिक चाहिए होगा तो। जोकिंग गाइस, दिस इज जस्ट ग्रेप जूस। चलो हवे बहुत थई, चालो हवे बहुत थई गयू, मड़िए आगड़ना व्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।